नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 34 वर्ष। ये कोई सवाल लिखे ना लिखा, बस जो आपको दिखे वो बता दीजिए, जो प्रिडिक्शन दिखे वो बता दीजिए। तो मुझे जो कुछ भी दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें तो आपके हाथ में ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ठीक है, नीचे से आपकी भाग्य रेखा दो मुहि आ रही है। देखिए, दो मुहि भाग्य रेखा व्यक्ति को जीवन में अच्छे लाभ देती है, अच्छा फैमिली सपोर्ट, अच्छा पारिवारिक सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और एक जीवन साथी से व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट व्यक्ति को करियर धन के मामले में मिलने वाला होता है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा आगे चली, लगभग 35 वर्ष के बाद या उसके आसपास ही, लगभग 6 महीने के बाद में ही आपके जीवन में एक और भाग्य रेखा आ रही है, तो ये आपको बहुत लाभ देने वाली रहेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि या अगर आप जॉब में हैं तो कोई नया बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में है तो कोई और नया काम कार्य करेंगे। कार्य डबल होगा, जो कि 40 वर्ष तक अच्छा चलेगा। 40 वर्ष के बाद आपके हाथ में भाग्य रेखा एक साथ रुक गई है। 42 वर्ष से भाग्य रेखा फिर चली है हल्की सी, और फिर चली है, फिर चली है, फिर मजबूती नहीं है। देखिए, हाथ में आपके 42 वर्ष के बाद मजबूती नहीं दिख रही है, लेकिन बुढ़ापे में बहुत अच्छा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा बहुत सारी रेखाएं हैं। देखिए, रेंटल इनकम होना, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होना, और जीवन समस्याओं में कम पड़ना, इस तरीके ठीक ठाक होगा। आपके हाथ में रेखा दिखा रही है। आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापा तो अच्छा जाएगा, लेकिन एक जो फेज आएगा आपके जीवन में, लेकिन एक जो फेज आएगा आपके जीवन में 40 से 55 वर्ष के बीच में, उसमें आपको समस्या, आर्थिक तंगी, जॉब छूटना, पैसे का नुकसान होना, बिजनेस मंदा चलना और समस्याओं का आते रहना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर या उससे पहले ही। बाकी अगर देखें तो अंगूठे पर आपके हाथ में यहाँ पर अंगूठा घूमा हुआ है। आपका जो व्यवहार रहेगा सबके साथ वो तो मित्रतापूर्ण रहेगा, फ्रेंडली नेचर ये रेखा आपके जीवन में आपको दिखाने वाली रहेगी। अंगूठे का सेकंड फ्लैंज भी बढ़िया है, आड़ी रेखा मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस और ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत देखी जाती है। तो इस तरह के ठीक ठाक रूप में आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अंगूठा आपका बढ़िया है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे आपके अंगूठे में नहीं दिख रही है। अंगूठा एक बहुत ही सशक्त बिहेवियर को दिखा रहा है। शुक्र पर आपके हाथ में बहुत बढ़िया शुक्र पर्वत है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, नए नए कपड़े पहनना, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को सच संभाल रखना, इस तरह के अच्छे खासे और ठीक ठाक योग मुझे आपके हाथ की रेखाओं में दिख रहे हैं। बाकी आपकी जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा बढ़िया है, मजबूत है, थोड़ी बहुत आपको समस्या यहाँ पर आई होगी। ये जो एज है आपके जीवन, आपका बचपन दिखा रहा है, बचपन में समस्या आना, चाहे पैसे को लेकर, चाहे परिवार में आर्थिक तंगी होना, चाहे स्वास्थ्य को लेकर समस्या आना, या फिर पारिवारिक समस्याएं होना, ये 3 से 4 चीज़ें में से एक दो या फिर तीनों चीज़ें भी हो जाती हैं। तो या तो पैसे की दिक्कत, पारिवारिक समस्या, या फिर स्वास्थ्य की दिक्कत आपको बचपन में नहीं होगी। इसके बाद आपका करियर थोड़ा लेट बना, लगभग आपने पैसा तो कमाना स्टार्ट कर दिया सही उम्र में ही, लेकिन आपके जो स्टेबिलिटी आई है वो 28 के बाद ही मुझे अच्छी खासी दिख रही है। यहाँ पर आपके अपने 32 के बाद ही एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस एज में या उस एज के 3-4 साल के अंदर ही आपके जीवन में ग्रोथ होना, अच्छी प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी आना, समस्याओं का निवारण हो जाना, और रुका हुआ काम जो काफ़ी सालों से नहीं बन रहा वो बन जाना, इस तरह की जो रेखा आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा दिखा रही है। यहाँ से कुछ रेखा सीधी यहाँ से कुछ रेखाएं सीधी बृहस्पति की ओर भी जा रही है। ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। सबकी महत्वाकांक्षी होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी रूप में कैसी मेहनत करने से नहीं डरता है। तो इस तरह के बढ़िया योग आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। इस एज में या 32 वर्ष के बाद भी, या फिर हम समझ सकते हैं 36 के लगभग में ही, ये 4 साल के भीतर ही पूर्ण भाग्योदय आपके हाथ का मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये रेखाओं का प्रभाव 40 वर्ष के बाद खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप कहते हैं 85 वर्ष के बाद या 55 समझ सकते हैं, उस एज के बाद आप कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग की रेखा मुझे साफ साफ दिख रही है। देखिए, मंगल रेखा है। मंगल रेखा धरती माँ का आशीर्वाद दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का आशीर्वाद होता है, चाहे ऐसे व्यक्ति रियल इस्टेट का कार्य करें, प्रॉपर्टी डीलिंग करें, कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, बट भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत देखा गया है। आप ये भी समझ सकते हैं कैसे व्यक्ति, ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में लाभ देगी, रियल इस्टेट में लाभ मिलेगा, और बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में रेखा बनाने वाली रहेगी। और समझ सकते हैं कि अगर पैतृक संपत्ति है तो उसको मिलने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति से आपको बहुत सारे अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। मंगल रेखा परिवार का
और फैमिली का पूरा सपोर्ट देती है इस व्यक्ति को, बहुत अच्छी खासी लाभ इस व्यक्ति को देखने में मिलते हैं। ये रेखा आपको नुकसान दे सकती है, ये रेखा आपको स्वास्थ्य समस्या देने वाली रहेगी, इसकी रेमेडीज आपको दे दूंगा, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है, मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, लेकिन एक समस्या इसमें यह है कि मंगल तक जा रही है। देखिए, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मंगल देव हमेशा एग्रेशन को दिखाते हैं, कि एग्रेसिव होता है जिस व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव रहेगा, व्यक्ति जल्दबाज होगा, लाल रंग का होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव देखा जाता है, जल्दी भड़कना बातों पर, ये चीजें देखी जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको एग्रेसिव बना सकती है, शॉर्ट टेम्पर बन सकती है, धीरज की कमी हो सकती है, जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं, ऐसे नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं मंगल के उपाय दूंगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क, आपकी बुद्धि पर मंगल हावी है। मंगल जब हावी होता है तो जल्दबाजी में व्यक्ति नुकसान करता है और समस्याओं में पड़ जाता है, इस तरीके का आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। यदि आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा मुझे सही दिख रही है, मजबूत है, यहाँ पर आपके हाथ में हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंच रही है। हृदय रेखा देखिए बहुत लंबी है, हृदय रेखा काफी मजबूत है आपके हाथ में। हृदय रेखा आपकी आध्यात्मिकता को दिखाती है, आपकी इंटरनल साउंड को दिखाती है, आपका जीवन शैली कैसी रहेगी, समस्या आएंगी तो कैसे निवारण करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंच रही है तो ऐसे व्यक्ति को दान दक्षिणा करनी चाहिए, दान दक्षिणा करने से लाभ देखने को मिलता है, जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना आपका भाग्योदय इस रेखा की वजह से होने वाला रहेगा। बाकी अगर आपके हाथ के क्षेत्र देखें तो यहाँ पर एक बन रहा है स्क्वायर साइन, स्क्वायर साइन व्यक्ति को अपना घर जरूर देता है। अगर मेरे पास आपकी क्वेरी ये आती है कि आपका अपना घर नहीं है, कब तक होगा, तो मैं स्क्वायर साइन देखता हाँ बोल देता, तो अपना घर होने का पूर्ण सुख रेखा देती है। अगर आपके पास पहले से अपना घर है तो इस रेखा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है बचपन से ही, बट ये साइन बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है, समाज में आपको एक इज्जतदार सुंदर व्यक्ति बना देगा, और आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेने वाले रहेंगे। और देखिए, ये एक चेतावनी भी होती है इस रेखा का होगा, अगर ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगते जिसमें आपका तो भला हो रहा है लेकिन आपकी वजह से समाज में चार लोगों का नुकसान हो रहा है तो समस्या बहुत आती है। अगर आप एक बार को समाज के लिए कुछ कर दें तो भाग्योदय बहुत जल्दी बहुत अच्छा बहुत मजबूत देखने वाला होता है। यहाँ पर आपके हाथ में शनि पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा वो काफी ज्यादा है, तो अच्छी खासी इनकम बुढ़ापे के चलते बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा ज्यादा है, देखिए हर क्षेत्र पर रेखा ज्यादा चल जाती है लेकिन सूर्य पर्वत पर नहीं चलती। यहाँ पर अगर ज्यादा रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं बहुत लंबे समय तक, एक करियर के रिगार्डिंग एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, करियर में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, करियर के रिगार्डिंग व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ये समस्या आपके हाथ में सूर्य पर मुझे बनती हुई दिख रही है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अपने पिताजी की सेवा कीजिए, जितना आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करेंगे और अपने पिताजी की सेवा करेंगे, दो से तीन कार्य कर लीजिए, आपका भाग्योदय बहुत अच्छा बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। बुध पर भी चार से पाँच सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है, ये रेखा अच्छा संतान चुग देती है, व्यापारिक क्षमता मजबूत देती है, व्यापार करके लाभ मिलता है, और बिजनेस कभी भी कैसे किसी तरह करें बिजनेस करके लाभ मिलते हैं, ऐसे कि अपनी हॉबीज अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंद की चीज़ पर कार्य करके भाग्योदय जल्दी कर पाते हैं। इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल आपके हाथ में पैसे की इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और सेविंग्स को दिखाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप जी में जितना पैसा कमाएंगे, चाहे संघर्ष आ जाए, दिक्कत आ जाए, पैसे आ जाए, खर्चा हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन आप पैसा बचा लेंगे, पैसे की सेविंग्स होंगी, सेविंग्स से लाभ मिलेगा, पैसे से पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, तो अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट व्यक्ति को रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके हाथ की बारह राशियाँ भी मेरे को दिखती है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, तो इस रेखा की वजह से आप अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर चलने वाले, अपने माँ बाप की पूरी तरह सेवा करने वाले और जिस माहौल में चाहे उस माहौल में ढलने वाले योग रेखा आपको बनाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। बाकी चंद्र से रेखा आ रही है तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, ट्रैवलिंग से लाभ मिलेगा, जितनी भी यात्रा करेंगी सारी यात्राएं सफल होंगी, सिद्ध होंगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा। महादेव की भक्ति करके करियर आपका और अच्छा चलेगा। आप दूसरे दिन कार्य कर लीजिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए डेली, गौ माता की सेवा कीजिए, नंदी महाराज की सेवा कीजिए और महादेव को पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पशु की सेवा करने से, जैसे कुत्ते बिल्लियां जानवर, इन लोगों की इन जीवों की सेवा करने से आपका भाग्योदय दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से होने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर आएंगे तो मणिबन पर आपके अपने तीन रेखा है। देखिए किताबों में इस बारे में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मणिबन पर तीन रेखा होती है ऐसे व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष बताई जाती है, बट मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, लेकिन किताबों में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आपको आपकी उम्र आपकी आयु पूरी है, रोग मुक्त जीवन है, लंबा जीवन, अच्छा जीवन है, जितना हो सके इसको सफल बनाइए, दान दक्षिणा करके, लोगों का भला करके, लोगों के काम करके,
ऐसे कार्य डेली रेगुलर कीजिए, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। बाकी आपके हाथ में उपाय किस किस के करने रहेंगे, आपको उपाय करने रहेंगे सूर्य देव के और हल्के से यहाँ पर बृहस्पति के, क्योंकि ये दबे हुए हैं, तो ये दो उपाय आपको करने रहेंगे। और भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य रेखा गड़बड़ हो रही है एक जब जब आप समझ सकते हैं एक समय पर आकर, तो भाग्य रेखा में गड़बड़ है 40 वर्ष के लगभग उसके बाद में ही। तीन उपाय आपको दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, कोई दिन व्यस्त रहते समय नहीं मिल पाता तो हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें ये भाग्य रेखा, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत के उपाय लिख दीजिए, आपको सर्वे डेटर पहुँचा देंगे। वीडियो देखने कोई डाउट कोई करी कोई सवाल रह जाए जो आप वीडियो में नहीं बता पाए हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी एक एक सवाल का ब्रीफली जवाब देंगे, हम आपको ओवरऑल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे, आप हमारे एजेंसी सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू है वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट अपने क्वेरी अपने रिव्यू और उपाय का लिखना ना भूलिएगा। बाकी आपके हाथ में मुझे समस्या नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत समस्या जो है मैंने आपको बता दी कैसे कैसे किस रूप में आ सकती है। एक जब समस्या आएगी तो आपको उस वर्ष के बाद आने वाली रहेगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। वीडियो में कुछ समझ में आए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको सारी क्वेरीज काफ़ी क्लियर होने वाली रहेगी। बाकी अगर आपको सवाल पूछते तो मैं वीडियो को लंबा खींचता अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट आपके कोई सवाल थे ही नहीं। जो आपको उपाय दिए जाएंगे आपको डेली डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने और बाद में छोड़ दिए। उपाय हमेशा के लिए होते हैं, हमारे उपाय ऐसे नहीं होते कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा हो, हवन यज्ञ पूजा पाठ जादू टोना टोटका काला जादू ऐसा कोई कार्य हो पाएगा, तो बहुत सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, खर्चा भी नहीं होता। तो उपाय डेली करने डालेगा, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल कितना भी साल बीत जाए उपाय डेली के डेली करने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल जब मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।